हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बता दें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया को इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा। वहीं दोस्तों बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अच्छा रहा है। भारत का टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड दोस्तों बता दें कि 5-1 का है। इस अहम मुकाबले में भारत अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। दोस्तों वहीं बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में केएल राहुल का उतरना तय है। रोहित शर्मा और केएल राहुल तूफानी बैटिंग में माहिर हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर आते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 3 पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले में टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेलना तय माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव मौजूदा समय में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी के दौरान सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में हार्दिक पांड्या का नंबर 5 पर उतरना तय माना जा रहा है। हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले से कहीं मैच का पासा पलटने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 6 और विकेट कीपर के रोल के लिए टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का चयन होना तय है। इसी के साथ ही ऋषभ पंत को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले में बाहर बैठना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों बता दें ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज के अलावा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी बेहतरीन अंदाज से करते हैं। अक्षर पटेल गेंद और बल्ले से मैच का पलट सकते हैं। अक्षर पटेल एक गेम चेंजर खिलाड़ी हैं। और वहीं दोस्तों बता दें कि स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले में एकमात्र स्पिन गेंदबाज की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर कड़ी टक्कर रहेगी। इस महामुकाबले में युजेंद्र चहल की जगह रविचंद्र अश्विन को मौका दिया जा सकता है। और वहीं दोस्तों बता दें कि ये होंगे तेज गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस महामुकाबले के लिए। तेज गेंदबाज में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को जगह दी जा सकती है। चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने में काफ़ी चांस है। उस आधार पर वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच के प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बल भारत की प्लेइंग 11 बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, अक्षर पटेल, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी है। वहीं दोस्तों बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के महामुकाबले में भारत बनाम पाकिस्तान का पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। और वहीं दोस्तों बता दें कि दूसरा मैच भारत बनाम ग्रुप ए रनर अप दूसरा मैच 27 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। यह है दोस्तों भारत के प्लेइंग 11। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।